नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आप अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे, हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए आगे इसी वीडियो में। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप लोगों को बताते चलें। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को दी है बधाई, आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी है। सोनिया गांधी ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि बाइडेन और कमला हैरिस के परिपक्व नेतृत्व में भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी से इस क्षेत्र और विश्व में शांति व विकास का वातावरण पैदा होगा। तो वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई, मुझे भरोसा है कि वह अमेरिका को एकजुट करेंगे और एक स्पष्ट दिशा का मजबूत भाव प्रदान करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई कमला हैरिस को भी बधाई। हमें इसका गर्व होता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति की जड़ें भारत से जुड़ी हैं, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं जो बाइडेन, और एक तरीके से देखा जाए तो सभी अंधभक्तों में सन्नाटा छाया हुआ है। तो आइए दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महागठबंधन का प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा, कहा घोषणा पत्र का हर वादा करेंगे पूरा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, महागठबंधन ने दावा किया है कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। बिहार में राज्य में सरकार ही नहीं बदलेगी, सरकार भी बदल जाएगा। नई सरकार अपने एक एक वादे पर खरा उतरेगी, जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा करके हम दिखाएंगे, ये यहां पर कहना है महागठबंधन का एग्जिट पोल सामने आने के बाद। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के सारे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल के आ चुके हैं, और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। इसी को लेकर के दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पोल ऑफ पोल्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, देख सकते हैं आप लोगों के सामने पोल ऑफ पोल्स आ चुका है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि महागठबंधन को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 137 सीट यहाँ पर मिल रही हैं। तो वही बात करें एनडीए की, एनडीए यहाँ पर 100 से भी कम सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 97, और अन्य की बात करें तो 9। कुल सीटें हैं 243, बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122, और महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है पोल ऑफ पोल्स में 137। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की विदाई तय है और अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार का तेजस्वी यादव। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बिहार में छाए तेजस्वी यादव, मोदी और नीतीश की करारी हार, चाणक्य एग्जिट पोल में आरजेडी प्लस को 180 सीट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में फ्रंट फुट पर आकर विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे तेजस्वी यादव को अब सबसे बड़े लड़ाके के रूप में देश भर के अधिकतर टीवी चैनल भी स्वीकार कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पहली पसंद बताया जा रहा है, तो वहीं उनके नेतृत्व में बने महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिखाया जा रहा है। बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर के युवाओं के आक्रोश का चेहरा बने तेजस्वी यादव ने बिहार की फिजा ऐसी बदली है कि सबसे चर्चित रहने वाले टुडेश चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 से 185 सीटें मिलते हुए दिखाया गया है, आप लोगों को बताते चलें। इसके साथ ही इस पोल में दावा किया गया है कि नीतीश बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन महज 50 से 55 सीटों पर ही सिमट जाएगा। इसके साथ ही इस एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि वोट प्रतिशत के मामले में महागठबंधन एनडीए से 10% ज्यादा वोट पाएगा, यानी महागठबंधन को 44% वोट मिलेंगे, जबकि एनडीए को मात्र 34% सबसे
दिलचस्प है कि टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में लगभग 22% वोट अन्य को मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सारे ही एग्जिट पोल में नीतीश कुमार का सूपड़ा साफ हो चुका है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में। और आरजेडी प्लस को मिलने जा रही है 180 सीटें, ये यहाँ पर कहना है टुडे चाणक्य एग्जिट पोल का। आइए दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। अमेरिका में बाइडेन ने मारी बाजी, ट्रंप को हरा करके बनेंगे 46वें राष्ट्रपति। आप लोगों को दोस्तों बताते चले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है, डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन की जीत का दावा द एसोसिएटेड प्रेस ने किया है। बाइडेन को 273 वोट मिले हैं तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट गए हैं। यह जीत निर्णायक राज्य पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के बाद तय हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का व्हाइट हाउस तक का सफर अब मुकाम पर पहुंच चुका है। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसे लेकर के भारत में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं अंधभक्तों में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। एग्जिट पोल पर महागठबंधन, जनता बदलाव चाहती है। बिहार के लोगों ने युवा के पक्ष में मतदान किया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार के जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती है। बिहार में लोगों ने बिहार को सड़ी गली व्यवस्था से बाहर निकालने और नया बिहार गढ़ने के लिए सबसे बेहतर विकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव को माना है। बिहार ने युवा चेहरे के पक्ष में मतदान किया है, तो वहीं कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम मतगणना के बाद सामने निकल के आएंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहला चरण बम बम रहा, दूसरा महो महो और तीसरे ने थई थई कर दिया, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार एग्जिट पोल, नीतीश कुमार को लगा तगड़ा झटका। बिहार वासियों की पहली पसंद बने तेजस्वी यादव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है शनिवार को। इसी के साथ टीवी चैनलों के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार की विदाई और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को बताते चले इन सारे ही एग्जिट पोल्स में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बनकर के सामने निकल के आए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव राज्य के 44% लोगों की पसंद है। सर्वे की माने तो तेजस्वी के पॉलिटिकल ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पिछड़ चुके हैं काफी। सर्वे के मुताबिक बिहार में सिर्फ 35% लोग ही यहां पर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर ये अनुमान सही हुए तो नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए किए गए सर्वे के नतीजे भी एनडीए के पक्ष में नहीं है। जितने भी आप लोग एग्जिट पोल के आंकड़े उठा के देखेंगे उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है महागठबंधन की, और यहां पर नीतीश कुमार की विदाई तय है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्णब गोस्वामी को नहीं मिली है राहत। हरीश सालवे की सख्त दलीलों के बावजूद अदालत ने जमानत देने से किया साफ इनकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले महाराष्ट्र में एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एंकर और संस्थापक अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उनको राहत नहीं मिली है। हरीश सालवे की सख्त दलीलों के बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर अर्णब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अभी जेल में ही रहेंगे।
ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।